बड़ी घोषणाएं निश्चित रूप से 19 जिले बनाने की, और सरकार के सामने चुनौती रहेगी कि इसके लिए जो प्रशासनिक तंत्र विकसित किया जाएगा, नए भवन बनेंगे, नए अधिकारी लगेंगे, नए और पूरा नई चीज़ें खुलेगी, चाहे अलग अलग प्रशासनिक ढांचे के लिए जो जरूरी व्यवस्था है वो सब करनी पड़ेगी सरकार को, इसके लिए पैसा कहाँ से, निश्चित रूप से चुनौती रहेगी। हम हरीश पावर से जिसे पूछते हैं, अभी जी ये बड़ा सवाल है, इतना बड़ा प्रशासनिक ढांचा, इतना बड़ा प्रशासनिक फैसला 19 जिले बनाने का, इसके लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? निश्चित रूप से एक चुनौती तो रहेगी। देखिए, मुख्यमंत्री तो कई बार कह चुके हैं कि जादू से आएगा पैसा, जब उनसे ऐसा सवाल होता है तो वो यही कहते हैं कि पैसा जादू से आएगा। मुझे लगता है कि नेता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जो बात कही, उन्होंने सही कहा कि ये केवल अपने लोगों को उपकृत करने के लिए, अपने लोगों को कलेक्टर एसपी के जैसे ओहदे पर बैठाने की एक जतन है, लेकिन बड़ा जतन ये है अपने असंतुष्ट विधायकों को संतुष्ट करने का। क्योंकि अभी राजेंद्र राठौड़ को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इस विधानसभा के इतिहास में कभी 19 तहसीलें भी एक साथ नहीं बनी, ये तो 19 जिलों की बात है। तो ये किस तरह से लागू होगा? सरकार के पास केवल 8-6 महीने काम करने के लिए बचे हैं, आचार संहिता भी आड़े आएंगी। हो सकता है कि सरकार जाकर के ये कह दे जनता के बीच कि हम तो कर रहे थे लेकिन हमें वक्त ही नहीं मिला। लेकिन क्योंकि सरकार सरकार होती है, ये कांग्रेस की सरकार बीजेपी की सरकार का विषय नहीं है, आने वाली सरकार को भी इस कवायद को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने एक बार विधानसभा में ये घोषणा कर दी है। तो अब बात ये कि फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे होगा, क्या आप केवल अफसरों का कुनबा खड़ा कर दोगे? ये सारे सवाल ऐसे हैं जो राजेंद्र राठौड़ भी वाजिब उठा रहे हैं। उनका कहना सही है कि विपक्ष के रूप में हम ये मान के चलते हैं कि ये केवल चुनावी स्टंट है, और उन्होंने सीधे सीधे कहा भी सही कि ये जिस कांग्रेस की सरकार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को महंगा पड़ेगा, लेकिन वो उनकी विपक्ष की भाषा है। सत्ता पक्ष वाले इसका स्वागत करेंगे, सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो इसका अपने जगह जाके मालाएं भी पहनेंगे, अपने इलाकों में ढोल मजीरे भी बजेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन असली जनता को जो फ़ायदा है वो कब तक होगा ये भी देखना है। क्योंकि सारे सवाल अभी वहीं खड़े हुए हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, सिस्टम कैसे डेवलप होगा, छोटे छोटी जगह अगर आप जिले बना दोगे तो वहाँ जिला स्तरीय कार्यालय कैसे पहुँचेंगे, उनका विभाजन कैसे होगा। क्योंकि मैं अभी पहले आपको बता रहा था कि प्रतापगढ़, धौलपुर जैसे जो ज़िले बने हुए हैं वहाँ आज भी हालत ये है कि वहाँ जिला स्तरीय कोई अच्छा सा कोई सभागार तक नहीं है, तो कैसे करेंगे ये सब देखना पड़ेगा। हालांकि एक पक्ष ये भी है कि ऐसे संस्थान जब खड़े होते हैं धीरे धीरे उनमें वक्त लगता है, एक ज़िले को पूरा रूप बनने में वक्त लगता है। अब प्रताप सिंह ये कह गए हैं कि जयपुर का दो टुकड़ा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि राजधानी बदलेगी, निश्चित रूप से जयपुर उत्तर दक्षिण को ग्रामीण और शहरी रूप में बांटा जाएगा, जैसे हम जयपुर ग्रामीण भी है हमारे पास, संसदीय क्षेत्र है, जयपुर शहर भी है, तो ठीक उसी तर्ज पे जिला बनेगा ही, इसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन सुनिश्चितता होनी चाहिए, आप दो कमिश्नरेट कैसे बनाओगे फिर, अगर आप मान लो जयपुर के कमिश्नरेट भी अलग अलग करते हो, उनका अधिकार क्षेत्र कैसे तय करोगे, फिर कहीं वो आपस में टकराएंगे तो नहीं, ये तमाम सवाल अभी सामने आने वाले आएंगे, तो उसकी मुझे लगता है कि मुकाबला करना पड़ेगा।